नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुखदेव और आप मेरा चैनल देख रहे हैं जॉब तक। दोस्तों आज हम बात करेंगे CSIR CMERA की तरफ से रिक्वायरमेंट आई है दोस्तों। एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंटरप्राइजेस है और ये वैकेंसी दोस्तों IT डिप्लोमा या अपने BSc या BBTech की हो तो अप्लाई कर सकते हैं। पूरी जानकारी के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखें। वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों में शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस करें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसे दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हो, ये इसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन है और ये रिक्वायरमेंट दोस्तों आपका CSIR CMERI सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर फार्म मशीनरी की तरफ से ये वैकेंसीज आया है, यानी कि कृषि मशीनरी उत्कृष्टता केंद्र से ये रिक्वायरमेंट आया, जो कि वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारत सरकार की एक घटक संस्था, यानी कि एक कॉन्स्टेंट एस्टेब्लिशमेंट ऑफ काउंसिलिंग ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से रिक्वायरमेंट आया, जो कि लुधियाना पंजाब की तरफ से आया है, ठीक है। और इसका एक संस्था दोस्तों आपका दुर्गापुर में भी है। तो ये अभी रिक्वायरमेंट आपका लुधियाना पंजाब की तरफ से आया है, जिसका एडवर्टाइज नंबर यहाँ पर रीड कर सकते हो। और ये वैकेंसीज का नोटिस जो रिलीज हुआ है आपका 25 अक्टूबर को रिलीज किया गया है, ठीक है। इसमें पोस्ट जो रहेगा दोस्तों प्रोजेक्ट एसोसिएट, प्रोजेक्ट असिस्टेंट जैसी पोस्ट रहेगा और इसका वर्क इंटरव्यू आपका रखा गया, ठीक है। यानी कि आप मान के चलिए आपका एज कॉन्ट्रैक्ट बेसिस रहने वाली है, ठीक है। तो काफ़ी अच्छी ऑर्गेनाइजेशन है, यहाँ पर आपको काफ़ी कुछ सीखने को भी मिलेगा, ठीक है। और ये यहाँ पर इसका बायोडाटा जो है डिटेल्स दिया है कि अब कब अब इस्टेब्लिट हुआ है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ यहाँ पर देख सकते हो, 1965 में ये संस्था इस्टेब्लिशमेंट हुआ है, जो कि पहले आपका दुर्गापुर में था। इसका मेन हेडक्वार्टर वगैरह जो है दुर्गापुर में है और दुर्गापुर में भी इसका मैकेनिकल सेंट्रल मैकेनिकल इक्विपमेंट वगैरह यहाँ पर मैन्युफैक्चर की जाती है। अभी लुधियाना में दोस्तों आपका कृषि से रिलेटेड मशीन वगैरह जो होती है वो यहाँ पर जो है मशीनरी जो है मैन्युफैक्चर होती है, ठीक है। तो जॉब लोकेशन आपका कहाँ रहेगा, लुधियाना पंजाब में रहने वाली है, ठीक है। चलिए वैकेंसीज को आगे बढ़ते हैं। तो ये वैकेंसी दोस्तों आपका वॉक इंटरव्यू होगा, जो कि 2 दिन रहेगा, 11 नवंबर और 12 नवंबर का, ठीक है। अब यहाँ पर पोस्ट के बारे में बात करते हैं कि इस पोस्ट में कितनी वैकेंसीज रहेगी और इसके लिए क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन और कितना एक्सपीरियंस वगैरह होना चाहिए, ठीक है। थोड़ा दोस्तों PDF वगैरह अलग टाइप कर दिया है, जैसे यहाँ पर आपको थोड़ा सा उल्टा करके देखना पड़ेगा। सीरियल नंबर यहाँ दिया है, इसके बाद आपको पोस्ट कोड देखने को मिलेगा, उसके बाद पोजिशन यानी जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई करेंगे या वर्क इंटरव्यू के लिए जाएंगे, और साथ ही दोस्तों प्रोजेक्ट नंबर भी दिया गया है, ठीक है। और नंबर ऑफ पोस्ट यहाँ पर 3 पोस्ट है प्रोजेक्ट एसोसिएट 1 के लिए। और इसके लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस की बात करें तो आप अगर प्रोजेक्ट एसोसिएट के लिए इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं तो आपके पास बी और बीटेक होना चाहिए मैकेनिकल मेट्रॉनिक्स या एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से, ठीक है। यानी कि ये ब्रांच रखा गया है मैकेनिकल या मेट्रॉनिक्स या एग्रीकल्चर वगैरह से। और इसका जो कॉन्ट्रैक्ट रहेगा दोस्तों आपका 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट रहेगा और यहाँ पर एक्सटेंडेबल है, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट आपको एक्सटेंड भी होगा, ठीक है। एज की बात करें तो दोस्तों आपका 35 साल तक एज लिमिट रखा गया, बाकी एज का रिलेक्शन आपको मिलेगा। सैलरी आपको 31,000 रुपये पर मंथ मिलेगा और यहाँ पर देख सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट वैकेंसी दोस्तों आपका प्रोजेक्ट एसोसिएट 1 की है और इसमें टोटल 1 सीट है और इसके लिए आपका बी और बीटेक मेट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन वगैरह से रहना चाहिए। इसका भी कॉन्ट्रैक्ट 2 साल का रहेगा और आपका कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंडेबल भी रहेगा और 35 साल तक आप इसके लिए एलिजिबल होंगे और सैलरी आपका 31,000 रुपये पर मंथ मिलेगा, ठीक है। 31,000 रुपये किसको मिलेगा दोस्तों, जो कैंडिडेट CSIR UGC या ICAR या ICMR या नेट वगैरह या ग्रेजुएशन आपने ये क्वालिफाई किए या गेट क्वालिफाई किए तो आपका यह सैलरी रहेगा। बाकी आपने अगर सेंट्रल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से जो एग्ज़ाम कराती है, जैसे आपका DBT हो गया, DST या इसके इक्विवेलेंट जो भी एजेंसी या इंस्टीट्यूशन है, वो कैंडिडेट अगर हैं तो आपको 25,000 रुपये मिलेगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर एक बार अच्छा से क्लियर हो आप देख सकते हैं। नेक्स्ट जो वैकेंसी दोस्तों आपका प्रोजेक्ट असिस्टेंट 2 की वैकेंसीज है और इसमें टोटल 3 सीट हैं, ठीक है, प्रोजेक्ट असिस्टेंट 2 की। और इसके लिए आपका क्वालिफिकेशन जो होना चाहिए दोस्तों आपका BSc एग्रीकल्चर से या 3 साल का आपने डिप्लोमा एग्रीकल्चर
या मैकेनिकल से किए हैं तो अप्लाई कर सकते हो, यानी कि इंटरव्यू के लिए जा सकते हो। इसका भी कॉन्ट्रैक्ट 2 साल का रहेगा और 18 से 35 साल तक आपके इसके लिए एलिजिबल होंगे। और सैलरी आपका कितना रहेगा, 20,000 रुपये पर मंथ। और इस पोस्ट के लिए कोई भी एक्सपीरियंस आपसे नहीं मांगा गया है, ठीक है। आप अगर BSc एग्रीकल्चर से किए या डिप्लोमा एग्रीकल्चर वगैरह या मैकेनिकल से किए और कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है फ्रेशर से, तो आप इस पोस्ट के लिए इंटरव्यू के लिए जा सकते हैं। नेक्स्ट जो पोस्ट है दोस्तों आपका प्रोजेक्ट असिस्टेंट 2 की है और इसमें टोटल 1 सीट है। और इसके लिए दोस्तों आपका बैचलर ऑफ साइंस यानी कि BSc होना चाहिए और इसके लिए भी आपका 1 सीट है। 35 साल तक एज रखा गया है, 20,000 रुपये पर मंथ रहेगा और कॉन्ट्रैक्ट भी आपका 2 साल का रहेगा, ठीक है। प्रोजेक्ट असिस्टेंट 2 की फिर से वैकेंसीज यहाँ पर दिया गया है, जिसका प्रोजेक्ट जो है प्रोजेक्ट नंबर अलग है और इसमें टोटल 2 सीट है। और इसके लिए क्वालिफिकेशन जो होना चाहिए दोस्तों आपका 3 इयर्स का डिप्लोमा एग्रीकल्चर मैकेनिकल दोनों में से कोई भी ब्रांच है तो चलेगा, ठीक है। 35 साल तक इसके लिए भी एज लिमिट रखा गया है। 20,000 रुपये पर मंथ आपका स्टार्टिंग सैलरी ऐसा रहने वाली है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो वैकेंसी दोस्तों आपका प्रोजेक्ट एसोसिएट 2, जिसमें पार्ट 2 है और प्रोजेक्ट एसोसिएट पार्ट 1, ठीक है। इस तरह 2 तरह की पोस्ट है, इसमें टोटल 2 सीटें यहाँ पर रखा गया है, ठीक है। प्रोजेक्ट एसोसिएट 2 की जो क्वालिफिकेशन है बी और बीटेक होना चाहिए मैकेनिकल इंजीनियरिंग रोबोटिक्स मेट्रोनिक्स और एग्रीकल्चर से, या आपने 2 साल का एक्सपीरियंस है रिसर्च डेवलपमेंट वगैरह से तो एलिजिबल होंगे, या आपके पास ME MTech वगैरह है मैकेनिकल इंजीनियरिंग रोबोटिक्स और मेट्रोनिक्स वगैरह से, तो आप अप्लाई जो है इंटरव्यू के लिए जा सकते हैं। सैलरी आपका क्या रहेगा, 35,000 रुपये, जो कि गेट क्वालिफाई करेंगे या CSIR UGC नेट वगैरह। और जो आप सेंट्रल गवर्नमेंट का जो एग्जामिनेशन होता है वो आप किए हैं या कोई एग्जाम नहीं क्या क्वालिफाई किए हैं सेंट्रल वगैरह से, तो आपको 28,000 रुपये मिलेगा, ठीक है। ये सारी चीज़ें यहाँ पर देख सकते हैं। और या आपने गेट क्वालिफाई किए या CSIR या UGC नेट वगैरह, तो आपको 35,000 रुपये पर मंथ रहेगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर देख सकते हो। उसके बाद प्रोजेक्ट एसोसिएट 1 की अगर बात करें तो इसमें भी BBTech रखा गया है और सैलरी आपका 31,000 रुपये, सेम ही चीज़ें है जो इस तरह से क्वालिफिकेशन है DBT DST उसको 25,000 मिलेगा। बाकी आपने गेट क्वालिफाई की या CSIR UGC वगैरह या ICAR या ICMR नेट वगैरह, तो आपको 31,000 रुपये पर मंथ रहेगा। उसके बाद नेक्स्ट जो वैकेंसी दोस्तों वो आपका प्रोजेक्ट असिस्टेंट 1 की है, जिसमें PA 1 रहेगा, ठीक है। इसमें टोटल 1 सीट है और इसमें दोस्तों 10th के साथ आपका ITI होना चाहिए। हालांकि ITI किस स्टेट से होना चाहिए ये उन्होंने मेंशन नहीं किया है, बट आपके पास 10th के साथ ITI होना चाहिए। और आपका यहाँ पर देख सकते हो कॉन्ट्रैक्ट जो रहेगा दोस्तों 31/3/2025 तक रहेगा, 35 साल तक इसके लिए एलिजिबल होंगे और 18,000 रुपये पर मंथ आपका स्टार्टिंग सैलरी ऐसा रहने वाली है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर देख सकते हैं। एक्चुअल नंबर वास्तविक पदों की संख्या जो सीट कभी घट भी सकते हैं बढ़ भी सकते हैं, ये सारी चीज़ें यहाँ पर देख सकते हो, ठीक है। तो ये वैकेंसी दोस्तों जो भी कैंडिडेट इंटरेस्टेड है जा सकते हैं। और यहाँ पर दोस्तों आपका शेड्यूल ऑफ वॉक इन इंटरव्यू, ठीक है। तो वॉक इंटरव्यू पोस्ट के अनुसार से आप यहाँ पर देख सकते हो जिस पोस्ट के लिए आप अपना जाएंगे, पोस्ट कोड वगैरह देख लीजिएगा और डेट ऑफ इंटरव्यू आपका अलग अलग, जैसे पोस्ट कोड नंबर 601 से लेकर 606 तक आपका 11 नवंबर का इंटरव्यू होगा जो कि मंडे को पड़ेगा, ठीक है। और पोस्ट कोड 3 से लेकर पोस्ट कोड 7 तक, इनका इंटरव्यू आपका 12 नवंबर को होगा जो कि ट्यूसडे को होगा, ठीक है। टाइमिंग सबका सेम ही रहेगा, 9 से लेकर 10:30 बजे के बीच इसका एंट्री टाइमिंग है, 10:30 के बाद आपका एंट्री नहीं रहेगा, ठीक है। और वेन्यू की अगर बात करें तो यहाँ पर CSIR CMERI सेंटर ऑफ एक्सेलेंस फॉरम फॉर फार्म मशीनरी ऑफ GNE कॉलेज गिल रोड लुधियाना पंजाब, ठीक है। तो ये इसका ऑफिशियल एड्रेस है, जहाँ पर ये संस्था है वहीं पर आपका डायरेक्ट इंटरव्यू होगा। तो जो भी कैंडिडेट इंटरेस्ट है जाके इंटरव्यू दे सकते हैं। फिलहाल के इतना ही, मिलता है अगले वीडियो में, तब तक ले टेक केयर। जय हिंद, वंदे मातरम।